हाँ जी वसीम, how are you? कहाँ से आए हैं? Where are you? मैं तो हूँ इंडिया का ही, लेकिन आई वॉज इन लंडन व्हेन दिस प्रॉब्लम वॉज स्टार्टेड अराउंड लास्ट टू लास्ट ईयर सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर 20 इट स्टार्टेड. सो इट वॉज स्टार्टेड विथ स्वॉलन पेन और बहुत तेज बुखार था उस टाइम पे. Pain and fever is a पेन common. फीवर बुखार Before बहुत that, ज़्यादा. you had any symptoms? You had any episode of constipation or something? हाँ, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रहता था. That was for how long before that? Can say 1 1.5 year. Okay. So probably that was the starting point for this problem. बेसिकली ड्यूरिंग लॉकडाउन ये थोड़ा सा बढ़ गया था, क्योंकि वो चलना फिरना बहुत कम हो गया था उस टाइम पे. कॉन्स्टिपेशन हुआ और फिर एक दिन टॉयलेट हुआ और फिर थोड़ा सा पेन हुआ. मतलब ठीक है, थोड़ा हल्का फुल्का पेन है, बट इन इवनिंग आई गॉट सो मच सीवियर फीवर, कोल्ड फीवर एंड पेन स्टार्टेड इंक्रीजिंग. सो कीप कॉलिंग NHS, सो दे सेइंग दैट यू माइट बी ड्यू टू कोविड डोंट कम टू हॉस्पिटल. सो आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज कि कोविड है कि क्या है ये. Why COVID will cause such so much severe pain and lump in that फिर area? देन आई स्पेंड 2 days इन पेन. Oh my. देन आई डिडन्ट फाउंड एनी सोल्यूशन. सो तो मैं रात में ही फिर वहाँ इमरजेंसी में गया. सो इमरजेंसी में गया तो वहाँ पे डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे बोला कि ये एब्सेस है. फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड अबाउट एब्सेस. Emergency medical officers. उन्होंने दे हैव गिवन मी एंटीबायोटिक फॉर 7 days और बोला कि ठीक हो जाएगा. बट आफ्टर स्पेंडिंग 3 days इट वॉज सच अ बिग लम्प ऑन माई हिप दैट आई कैन नॉट सेट मूव एनी थिंग. सो वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ऑन बेड पे आ गया पूरी तरीके से. यू कैन नॉट मूव ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट इज सो पेनफुल. हाँ, और व्हेन आई एम कॉलिंग NHS दे आर सेइंग यू इट माइट बी एब्सेस, इट विल ड्रेन आउट इन 3 days, इट विल ड्रेन आउट इन 5 days. देन आई कॉल एम्बुलेंस दैट आई एम नॉट एबल टू बियर दिस पेन, सो यू हैव टू टेक मी टू हॉस्पिटल. सो दे टुक मी हॉस्पिटल एंड दे हैव डन द सर्जरी. सर्जरी दे हैव कट आई गेस 7 सेंटीमीटर डीप एंड 7 सेंटीमीटर वाइड. फर्स्ट सर्जरी दी होटल ऑलमोस्ट. वो मेरे वाइफ देखते थे तो वो बताते थे आई कैन सी योर मास. वो बहुत सारा बहुत बड़ा कट था और वो पूरे टाइम मेरे को बेड पे रहना पड़ता था. और देन नर्स कम्स टू होम एंड दे डू ड्रेसिंग. सो 2 3 महीने तक तो ड्रेसिंग चलती रही मेरी. ड्रेसिंग वाज पेनफुल. हाँ, इट वाज वेरी पेनफुल. सो दे गिव मी पैरासिटामोल बिफोर ड्रेसिंग एंड देन दे डू ड्रेसिंग. आईवी और टैबलेट? टैबलेट. ओके. सो 3 महीने ऐसे चलता रहा, लेकिन वो लम था वो बड़े से थोड़ा सा छोटा हो गया. बट इट वॉज वेरी हार्ड लाइक टेनिस बॉल, बट इट वॉज स्मॉल इन साइज. सो आई थॉट पता नहीं क्या है, हल्का हल्का पस आता रहता था उसमें से. फिर मैं डेली जाता था वहाँ पे, डॉक्टर को दिखाता था क्या है, तो बोले नहीं ड्रेन हो जाएगा ड्रेन हो जाएगा. फिर सितंबर में सर्जरी होने के बाद फिर अक्टूबर नवंबर में अगेन फिर से वो एक दिन क्या वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया. तो फिर से मैं वहाँ पे इमरजेंसी में गया तो उन्होंने बोला कि ये सेकेंड एब्सेस आया. तो मैंने उनको बोला ऐसे कितने एब्सेस आएंगे, तो वो उन्होंने बोला फर्स्ट वन वॉज वेरी क्लोज टू एनल, दिस वॉज वेरी लिटिल वाइड टू एनल. तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला लोगों के 15 16 18 एब्सेस होते रहते हैं, लेकिन ये कुछ डरने वाली बात नहीं है. 15 16 एब्सेस हो रहे हैं तो वो फिस्टुला ही है. हाँ, एब्सेस नहीं हो सकता. इवन मैं फर्स्ट एब्सेस को भी फिस्टुला ही मान के चलता हूँ, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज. कि वो नहीं निकला, आपको ट्रैक नहीं मिल पाया इंटरनल ओपनिंग, दैट कैन बी अ डिफरेंट थिंग. बट नॉर्मली ऑल एब्सेसेस has to have something. बॉयल आपको क्यों होगा? यू आर डायबिटिक, यू आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, और या आपका फरंकल हुआ या आपने बालतौड़ हुआ उसके बाद हुआ. जब अंदर से पस आई है, सडनली आई है, दैट मीन्स देर इज समथिंग विद सम कनेक्शन विद द एनस एंड वी हैव टू फाइंड आउट. मे बी वी विल बी एबल टू फाइंड इट, मे बी वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. सो सेकेंड भी एब्सेस, सेकेंड भी ड्रेन कर दिया उन लोगों ने मेरा किंग जॉर्ज में. किंग जॉर्ज बनना फर्स्ट टाइम
सो वहाँ पे क्वींस हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पे फिर से उन्होंने ट्रेन करा और एट दैट टाइम दे डिसाइडेड एट टाइम इट वाज डन बाय सर्जन और सर्जन बट दे नेवर थॉट ऑफ डूइंग एन एमआरआई और एनीथिंग इन थर्ड सर्जरी व्हेन आई requested him lot that why is this happening why is this happening they, then the surgeon said it might be fistula we have to do MRI okay then I have heard about fistula then the procedure then you started to read about fistula then it all then after 1 month I got appointment for MRI then till that March April or March came, then they called me and they said, 1 month of waiting just for MRI. Yes. Okay. 1 month for MRI and 1 month for MRI discussion. So I spent almost 2-2.5 months. And so by the time I have services in India are far ahead than yes. UK. Yes. Okay. The, by the time I have spoken to you, I guess so, I have spoken to Sumit sir. So at that time I have made my mind that I have to now go back to India and do surgery. Here you come, do the MRI in 2 years, you get two hours, you get the report also. Yes. So then they called me that we have to do some colonoscopy or something in the stomach. Again colonoscopy, why? I don't know, they were saying that we have to... Colostomy. Colostomy. Yeah, they said that they will divert the stool and yes, stool sir. Will come from this area. Okay. Then by the time I already watched your videos, so I clearly said no, I'm not interested for this thing. So by the time I traveled in March, mid of March. Then you took a transfer to India. Yes, I took a transfer to India. I traveled to India in mid of March and 1st of April last year, same time. It was my first surgery done by you. So after that it was very good. Was it comfortable? Yeah, less painful than what had happened in UK. Yeah, it was less painful than what happened to UK. A little bit ups and downs were there. So starting ki thi, fourth fifth sitting tak to pain raha. Pain discomfort tha because we had worked a lot in the inner canal. Puri inner canal hi gali hui thi. Isi ke karan unhone यहाँ पे लैटरिन का रास्ता बनाने का सोचा था क्योंकि दे वर नॉट फाइंडिंग एनी सोल्यूशन कि नीचे से क्या करें तो हमें ग्रेजुअली हमारा एम था कि हम नीचे से ही पूरा इनर कैनाल को रिपेयर करते करते आगे आएंगे और लेकिन फिफ्थ और सिक्स सर्जरी के बाद तो एकदम बढ़िया हो गया सिक्स सर्जरी के बाद तो मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ता था इवन आई डोंट टेक एनी पेन किलर ऑल्सो क्योंकि सिक्स के बाद तो बढ़िया हो गया था टोटल कितना टाइम बताया था मैंने कि बोला था क्योर हो जाएगा कि ये भी नहीं बोला था कि शायद क्योर ना आपने बोला तो प्रॉब्लम तो है लेकिन साल से डेढ़ साल लगेगा सो आई थॉट अबाउट 12-15 सिटिंग या सर्जरी में होगा बट इट वाज क्योर्ड इन 11th 11 में हो गया 10-11 लेकिन हाँ शुरू में काफी वो रहा फिर थर्ड फोर्थ सिटिंग जब थी तो तब मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था क्या हो रहा है सही हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है पेन तो रहता था स्टार्टिंग में काफी फिर देन आफ्टर लेकिन मेरी वाइफ मैंने आपको जैसे बताया था पहले भी मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा भरोसा था आपकी वीडियो देख के तो उन लोगों ने बोला नहीं नहीं सब सही हो जाएगा सब सही हो जाएगा फिफ्थ सिक्स सेटिंग आते आते तक तो बहुत सारे लोग छोड़ चुके थे कि सही नहीं होगा ये गलत जगह कहीं इलाज का रास्ता देन सिक्स सेवन सेटिंग के बाद कंफर्टेबल हमें नहीं पता कि कोलोस्टोमी अगर करनी पड़ी तो कैसे आप लेके घूमोगे उसके हाउ यू विल मैनेज दो जहाँ जरूरत है मैं बोलता हूँ ये स्टेट अगर यही चीज़ करनी है तो करनी है इधर से नहीं थे बट जहाँ हम बचा सकते हैं वाई टू गिव यू अ परमानेंट कोलोस्टोमी बट इवन अ टेम्पररी आल्सो इज नॉट अ इजी टू मैनेज और मेन प्रॉब्लम ये था किसी से पूछो तो एवरीवन से दैट यू हैवंट गेट क्योर्ड इन लंदन सो हाउ यू विल गेट क्योर्ड इन इंडिया अच्छा दिस इज स्टिल थिंग इज आई हैव गॉट पेशेंट फ्रॉम न्यूयॉर्क और वो भी वहां से डॉक्टर्स some are pediatricians some are cardiologists and india to hamare paas to roz hi koi na koi doctor aata hai sab kuch nahi surgeons themselves come we have gynecologist also who are our patients aisa kuch yeah matlab the disease is complex and that is the reason it is difficult to treat and I believe we have best of the facilities and the doctors are very competent in India और यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे लोग से कनेक्ट भी थे तो सब धीरे धीरे सही होते जा रहे थे okay. जैसे एक वो सागर से आते थे नरेश जी okay.
उनके साथ काफी कनेक्ट था मेरा, तो वो भी थोड़ा कॉन्फिडेंस तो था कि हाँ कुछ तो क्योर तो हो जाऊंगा। बट सबसे ज्यादा नेगेटिविटी खुद से आती थी या बाहर से लोग डाल देते? नेगेटिविटी थर्ड फोर्थ सिटिंग तक तो मुझे लगा कि शायद कुछ गलत डिसीजन हो गया। सिक्रीशंस तो आने थे, ब्लड तो आना ही था, मैंने बोला था इट वाज अ पार्ट एंड पार्सल टिल कंप्लीट हील। वो फिर थोड़ा सा लगता था मुझे थर्ड फोर्थ सेटिंग में, यार कुछ गलत तो नहीं कर लिया मैंने डिसीजन, इतना पेन तो अभी भी हो रहा है, पता नहीं हील होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। तो लेकिन एक चीज ये नहीं देखी कि आपने अंदर से जो डिस्कम्फर्ट था, आई अंडरस्टैंड कि डिस्कम्फर्ट था जो शुरू में था, उसका धीरे धीरे कम होता गया, परसेंटेज कम होता है। दैट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जब बॉडी बना रही है तो इट विल टेक टाइम। मैं बाहर से कुछ भी अंदर नहीं डाल सकता, आई जस्ट वेट फॉर द बॉडी टू फॉर्म द टिश्यूज। करेक्ट। इस दरमियान कई बार बहुत सारी ब्लीडिंग भी होती है। यू ऑल्सो हैड एन एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग, तो इट इज नेचुरल। तो आपको कुछ नहीं करना, उसको बैठ के कंट्रोल करना है या आसपास किसी भी डॉक्टर के पास जाके वहाँ पे पैक लगवा देना है। तो लेकिन आगे जाके फिर ठीक रहा सिक्स और सेवन सिटिंग के बाद। अच्छा, वो सिक्स सेवन सिटिंग के बाद मैंने अपना डाइट पूरा काफ़ी चेंज करा। उससे पहले तो मैं इतना ध्यान देता नहीं था, लेकिन फिर मेरी लोगों से बात हुई तो लोगों ने सलाद और फ्रूट इंक्रीज करने के लिए बोला। तो सिक्स सेवन सिटिंग के बाद से तो मैं एवरी डे डोंट हैव मील विदाउट सलाद, तो मैं सलाद खाता ही हूँ और फ्रूट भी खाता हूँ। तो तब से थोड़ा सा पॉजिटिविटी आई, हीलिंग में भी पॉजिटिविटी आई, और खुद को भी अच्छा लगने लगा। हमारे को जो फ्रूट से मिलते हैं वो हमें किसी चीज से नहीं मिलता। दैट्स व्हाई कि सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट जो है आपके फ्रूट्स हैं या ये सैलेड्स हैं। और बाकी तो मैंने और कुछ भी ऐसा बंद नहीं करा खाना कि ये चीज नहीं खाता, तो मैं सब खा रहा था। बस हां, मैं स्पाइसी नहीं खाता था, हैदराबादी नहीं खाता था, बिरयानी नहीं खाया। अब खाने वाले हैं कि नहीं? खा लेना, मेरी तरफ से मना नहीं। स्पाइसी नहीं खाता था, बट मैं सब खाता था। काफी अच्छा रहा, क्योर हो गया, मैं सभी हैप्पी हो गए अभी तो, मतलब सबको आराम मिल गया सुन के कि हाँ ठीक हो गए करके। बाकी बीच में लोगों ने बोला आयुर्वेदिक में दिखाओ, होम्योपैथिक में दिखाओ, लेकिन मैंने बोला नहीं, अभी मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, वहाँ से आए ऑलमोस्ट स्टॉप्ड माई करियर इन लंदन, देन आई केम, तो उसके होम्योपैथी के लिए तो नहीं आया। करियर तो चलता ही ना अगर आप नहीं आते तो, क्योंकि द वे द थिंग्स वर मूविंग, कोलोस्टोमी होने के बाद भी वो ठीक नहीं होना था, क्योंकि व्हेन यू डू नॉट नो द एटियोलॉजी हाउ यू विल ट्रीट द पैथोलॉजी। करेक्ट। आपको पता ही नहीं बीमारी क्या हो रही है, आप चलो पस निकालते जा रहे हो, और जब पस निकालने का सोल्यूशन नहीं समझ आया और पॉटी का रास्ता यहाँ बना दिया, ठीक है वो आपको टेम्प्ररी, जैसे बुखार हो रहा है तो बुखार हो रहा है तो पैरासीटामोल दे दिया, इन्फेक्शन ठीक नहीं किया तो इट्स लाइक दैट। और वहाँ पे जब बस हुआ था फर्स्ट टाइम, तो बहुत ज़्यादा स्मेल रहता था उसमें, इवन मेरी वाइफ भी बोलते थे कि आपके पास से बहुत ज़्यादा स्मेल आता है। लेकिन ड्यूरिंग इस ड्यूरेशन में जो भी पस आया उसमें से कुछ पस था ही नहीं, क्योंकि वो पस था ही नहीं, वो पस नहीं था, देयर वर सेक्रीशंस, जिसको आप पस की तरह मिस्टेक करते हैं और सारे पेशेंट करते हैं, इट इज नॉट यू, दे कीप ऑन थिंकिंग पस आ रहा है। आई टेल देम इट इज बॉडी सेक्रीशन। जब बॉडी हेल्दी टिश्यू बनाती है, अनहेल्दी भी बनाती है, तो वो सेक्रीशंस आती हैं। तो कुछ सेक्रीशन रीचिंग डिस्कम्फर्ट करती हैं, कुछ सेक्रीशन ऐसी जस्ट वेटनेस करती हैं। तो ये सो ये वाले तो अच्छा रहा, finally you are cured, that is important. And और कुछ मन में डाउट या आपको लग रहा कि जो लोग जिस चीज़ से लोग परेशान हो जाते हैं या जिन कारणों से परेशान रहते हैं इवन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, एनी सोल्यूशन व्हाट यू फाउंड? अब मेन तो ये था कि पहले तो फेथ रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं भी सही हुआ और बहुत सारे लोग सही हुए, तो सही तो होने ही सर के पास आए तो ठीक तो होना है, ये तो मुझे पता है, बट वो जर्नी इज, यू कैन मेक इट ईजी, यू कैन मेक इट डिफिकल्ट, डेट इज़ इन योर हैंड्स। जब तक आप विश्वास करते रहोगे, सोचते रहोगे और नहीं पॉसिबल होगा, तो मैं पहला आई विल बी द फर्स्ट पर्सन कि नहीं ये नहीं मैं ठीक कर सकता, जाओ। अगर मुझे 10% भी चांस है कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, तो मैं आई विल गाइड यू कि मैं 10% चांस है, आई विल ट्राई एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इफ द थिंग्स आर ऑन इम्प्रूविंग ट्रेंड, हम ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे। अगर हमें लगेगा कि नहीं हम राइट पाथ पे नहीं जा रहे या हमारी चीज़ें बन नहीं पा रही, तो देन वी फाइंड देन
सी सच है, इतने केसेस इस तरह के पेशेंट्स कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड, आपके भी बहुत ही बैड था, हमें एक आइडिया होता कि क्या होना है, एंड विद गॉड्स ग्रेस जो भी पेशेंट अपना टाइम के साथ समय के साथ पूरा ट्रीटमेंट दिया है, मुझे नहीं याद कि कोई ठीक ना हो, बट हाँ कुछ लोग होते हैं बीच में छोड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं, ड्रॉप आउट होते हैं, बट फिर भी वो कंफर्टेबल रहते हैं। आई हैव पेशेंट्स जिन्होंने 2 सिटिंग ली 3 सिटिंग ली उसके बाद चले गए, सडनली 7 साल नहीं आए, और कुछ 2 साल बाद आ पाए या लॉकडाउन में नहीं आ पाए, वो भी ठीक हुए ठीक है, बट उनकी प्रॉब्लम का कुछ रेमनेंट पार्ट रह गया, मे बी 70% ठीक है वो, कोई 60% ठीक है, एंड मैनी के विल बी 100% क्योर्ड ऑल्सो। क्योंकि जब हम फर्स्ट काम करते हैं, हम सीधा एटियोलॉजी को ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद हम हीलिंग पे काम करते हैं। समटाइम हीलिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, बॉडी कर लेती है, कई बार वो डिटेरियोरेट कर लेती है, तो जब तक का कंप्लीट हीलिंग नहीं होती मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता, बट अगर आप फिर भी आप जाना चाहते हो छोड़ जाओ ट्रीटमेंट, कोई इशू नहीं है, बट डेट विल नॉट सॉल्व द पर्पज, फिर आपके मन में हमेशा रहेगा पूरा ठीक नहीं। मुझे भी नहीं कम कॉन्फिडेंस कि भाई मैंने जब मुझे पता ही है कि अलग स्टिल द थिंग्स आर नॉट हील्ड, और उसके बाद आप आए नहीं हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ठीक हो गया। वंस आई सी वंस आई टुडे सी सीन यू आई डिड एन एमआरआई चेक एमआरआई, अब आई एम कॉन्फिडेंट कि हाँ यू आर ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट। स्टिल आई विल टेल यू कि फिर भी 8-10% का चांसेस रहते हैं, वो फ्रेश इंजरी होने के कारण, कॉन्स्टिपेशन होने के कारण हो सकता है, जिससे हमें बचना है, बाकी कोई इशू नहीं है। आप यू ईट वट एवर यू वॉन्ट, यू ड्राइव, यू सिट, वट एवर वे यू लिव योर नॉर्मल लाइफ ठीक है। और जिस तरह से आप इतना ख़राब था, उसके अंदर जब क्योर होकर पूरे टिश्यू बनते हैं, अगर कोई माइनर चीज आती भी है डेट इज़ ईजी टू मैनेज, उस वो इसका 5% भी नहीं होगा, ऑलरेडी इतना सारा डैमेज सही हुआ। हाँ, वो सारा डैमेज जब हम सही कर सकते हैं तो थोड़े डैमेज में क्या मुश्किल है, बट मुझे पता है कि नहीं होना वो भी। एंड वी हैव ट्रीटेड द पाथ, वी हैव ट्रीटेड द रूट, वी हैव ट्रीटेड द कॉज, वी नो इट विल नॉट। हाँ, अगर हीलिंग हो गई है, कुछ खुद ही मेजर गलती कर रहे हो, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। माइनर मिस्टेक्स विल नॉट लीड टू एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एंड रेगुलर फॉलो अप इफ पॉसिबल यू कैन डू। बाकी आप लंदन से हो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप हर 6 मंथ्स पे मेरे पास आओ, व्हेनेवर यू आर इन इंडिया दिखा के चले मेरे इफ पॉसिबल। हाँ नहीं, वही मैं बोल रहा था, पहले तो मैं 3rd-4th sitting तक तो मैं लेट के इंतजार करता रहता था, मैं कब सही होऊंगा, तो वो दैट वाज रॉन्ग। सो उसके बाद मेरी वाइफ ने बोला कि नहीं ऐसे नहीं, सही तो हो जाओगे, लेकिन लेटना की मिस्टेक कर रहे थे, और मैं आपको पहले दिन से ही बोल रहा था कि आप बैठो, एंड दिस इज द सेम थिंग एवरी पेशेंट डू इट, हम बोलते रहते हैं पर वो मानते नहीं, पर आप जो सो एजुकेटेड सब चीजें समझते हुए भी आप नहीं मानते, वो बस इंतजार कर रहे थे कि अभी सही हो जाएंगे तो ये करूंगा, सही हो जाएंगे तो वो करना है। एंड स्ट्रेट अवे आई टेल यू स्टार्ट ड्राइविंग फ्रॉम डे टू डू स्टार्ट योर वर्क। तो फिर मेरी वाइफ ने बोला कि नहीं ऐसे नहीं होता, कि तुमको जो करना है भी करो। फिर मैं सुबह उठ के वॉक करना, अपने सारी चीजें, मैंने ये मान लिया कि नहीं अब तो सही हो ही जाऊंगा, जब सही होंगे जब होऊंगा, लेकिन अभी तो मैं अपना डेली रूटीन फॉलो करता हूं। उसके बाद पूरा सही, अभी आप पार्शियली सही हो, विद टाइम पूरा हो जाओगा, पर अगर उसमें 6 महीने लगने तो 6 महीने बैठ के थोड़ा बिताएंगे। हाँ नहीं, फिर मैंने वॉक करना, एक्टिव रहना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना और डाइट में चेंज करना, तो उससे फिर धीरे धीरे पॉजिटिविटी आ गई। उसके बाद फिर आप भी हर सिटिंग बताते जाते थे कि नहीं क्योर हो रहा है, फिर धीरे धीरे पेन भी कम होता गया, तो उसके बाद 6 सिटिंग के बाद तो एकदम बढ़िया हो गया था, बस सिटिंग होती थी बाकी मालूम नहीं पड़ता था सिटिंग हो रही है। किसी से बोलो तो 8 ऑपरेशन 10 ऑपरेशन 11 ऑपरेशन तो बाद में तो लोगों को पता नहीं बंद कर दिया, मैं तो घूमते जा रहा हूँ किसी। Because they don't know, they do not know what is going inside you. They do not know the tea of the treatment and they will advise you. मैंने अभी कल परसों की बात था। I was just going for a walk and one person said my wife had some problem. We got the uterus removed. And second person is a layman. You do not know anything about the medicine. उसने ये नहीं पूछा कि whether it was tumor, whether it was infection, क्या था, कैंसर का गांठ था, क्या था। अरे बहुत बड़ी गलती कर दी, यूट्रस तो निकालना ही नहीं था। सच्चे इडियट हो, डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द मेडिसिन। उसका यूट्रस के क्या था पहले ये तो अंडरस्टैंड करो कि उसके अंदर कैंसर था, सिस्ट थी, पेन हो रही थी, या इतना ज़्यादा इन्फेक्ट हो गया था, या गैंग्रीन हो गया था, या व्हाटएवर हैज हैपेंड।
एंड यू आर एडवाइजिंग, जिसे कुछ भी नहीं पता वो एडवाइस कर रहा है, अब उनके एडवाइस पे आप जाना शुरू कर दोगे तो देन योर लाइफ आपका क्या होता आप खुद सोचो। जब आपका लंदन का स्पेशलिस्ट ये बोल रहा है कि यहाँ प्लस टू करनी पड़ेगी, ही हैज गिवन यू वन ऑप्शन, आई आल्सो रिस्पेक्ट हिज ऑप्शन, क्योंकि इतना बैड इन्फेक्शन था नीचे थॉट कि मैं इसे क्योर नहीं कर पाऊंगा, एंड ही सेड कि चलो मैं कम से कम इसको कम कर देता हूँ। वहाँ तक तो समझ आती है, इट इज अ साइंटिफिक अप्रोच। अरे वो सिर्फ तो ये झाड़फूंक से भी सही हो जाता है। झाड़फूंक ट्रीटमेंट का मेरे पास तो हर तरह के ट्रीटमेंट है, मेरे पास लोग आए झाड़फूंक ट्रीटमेंट कराया है, कुछ पेशेंट ऐसे भी आए हैं जिन्होंने चूना ट्रीटमेंट किया। आई हैड ए पेशेंट जिसने चूना पकड़ के लगा दिया पूरे एनस पे, पूरी एनल कैनाल गल गई उसकी, बनाते बनाते मुझे 6 महीने लग गए वापस उसको। होम्योपैथी अलग अलग दिक्कत होती, छोड़ ही दो कितने हैं लोग, लिमिट ही नहीं है। आपके पास जितने आपके यार दोस्त जो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मिले, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने ये सब ना करा। हाँ, सभी ने होम्योपैथिक में ट्राई करा, बीच में मेरे को भी लोगों ने बोला होम्योपैथिक में ट्राई करो, दे विल हेल्प यू बाय रिड्यूसिंग द कॉन्स्टिपेशन, एंड हो सकता है वो इंजरी फर्दर होने से कम कर दे, बट बिकॉज यू आर इन ए विशियस साइकिल, जब तक हम उस विशियस साइकिल से अंदर से जाके काम करके उसको नहीं निकालते, दिस विल नॉट टेक केयर, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद डिजीज। हाँ, आप टाइम निकालना चाहते हो, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड कर लो, एंटीबायोटिक खा लो, स्टीरॉयड खा लो, बीच में जो भी करना है करते रहो, तो वो टेम्परेरी टाइम तो निकलता जाएगा बट डिजीज़ अंदर फैलती जाएगी। आपकी पस कम हो रही है, पस कम होना ज़्यादा होना ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है, जब तक अंदर की लीकेज है दिस विल आइदर डैमेज एट वन पॉइंट और डैमेज एट द अनदर पॉइंट, तो हमें उस चीज़ को देखना। अच्छा, अभी जब भी बीच में अभी कभी कॉन्स्टिपेशन जैसे लगे तो कुछ ये सब को लिया ऐसा कुछ ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी, हार्ट स्टोन नहीं होने देना, विच इज़ इम्पोर्टेंट, और कोई ऐसा कुछ नहीं है। और कॉन्स्टिपेशन हो भी गई तो बताने की जरूरत नहीं, बाकी को अपना पहले मैंने बताया हुआ उसको फॉलो करना है, ताकि थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन हो तो वो इंजरी ना करें। स्टार्टिंग पॉइंट वाइज इंजरी अब ठीक हो गए हैं तो बिल्कुल ठीक है, बट अब फिर फ्रेश इंजरी होने देंगे, मुझे पता कि उसके बाद नहीं होना, बट जो 2-5% चांस है हम उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमें इंजरी होने ही नहीं देती, उसके लिए कोकोनट ऑयल का यूज दैट विल हेल्प, दैट विल प्रिवेंट एज अ लोग देखे लॉन्ग टर्म पे कर सकते हैं, लाइफ टाइम करो, क्या दिक्कत है, इट्स नॉट हार्मफुल, कहीं खरीदने जाना नहीं है, कोई मार्केट में दवाई तो है नहीं जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। वो मैंने एक वीडियो भी देखा था, उसमें कोई आर्मी कर्नल थे, he has that medicine from Amazon. उन्होंने खाली टैबलेट मंगा के उसमें कोकोनट ऑयल भर के बना, आई डू नॉट रिकमेंड, बट इट हेल्प देम एंड ही वॉज मोर हाई कंसर्न अबाउट द हाइजीन दैट पार्ट, बट आई थिंक इफ दैट इज ओके यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट आई हैव गिवन सिंपल वे, जैसे कोई खर्चा नहीं है आपका, चुपचाप वो टैबलेट बनाओ लगाओ। हाँ, अभी जिससे भी बात हुई है पुराने पेशेंट सब वो वैसे ही यूज़ करते हैं, बीच में छोड़ भी सकते हो, बट वेयर एवर आपको डाइट हो डाउट हो कि मेरे को आज मैंने बहुत ज़्यादा नॉन वेज खा लिया, मुझे कल कॉन्स्टिपेशन होनी है, तो यू हैव टू डू दैट प्रिकॉशन। प्रॉब्लम इंडियन डाइट में क्या है कि रोज तो खाते नहीं नॉन वेज, खाएंगे हफ्ते में एक बार, जब एक बार खाएंगे वो भर के खाएंगे, एंड दैट विल कॉज द प्रॉब्लम, बिकॉज इतना ज़्यादा प्रोटीन जब जाएगा बॉडी डाइजेस्ट नहीं करता है, एंड इट विल मेक यू कॉन्स्टिपेटेड। अब रोज खा लो थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, उतना ही फाइबर खाओ, उतना ही सैलड खाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम यहाँ है कि आप अगर वंस इन अ वीक या वंस इन फॉर्टनाइट खा रहे हो और फिर मन भर के खा रहे हो, इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी अब तो ऐसा सिक्स बात वगैरह ऐसा नहीं, नो सिक्स बात अपना कोई। एनीबॉडी वांट्स टू टॉक टू यू, इज इट कंफर्टेबल फॉर यू टू शेयर? हां, मेरा नंबर 9096568094, so they can call me anytime. बात होती रहती है पेशेंट से, करनी है, करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है दिस विल हेल्प मेनी, देखो बहुत सारे मूर्ख लोग भी कॉल करेंगे, ठीक है, इफ यू फील लाइक यू टॉक टू देम, एंड इफ इट इज बॉदरिंग योर वर्क तो किसी से भी मत करो, पर आपको कोई जेन्युइन किसी की हेल्प हो सकती हो तो जरूर करो, बिकॉज वट जो सपोर्ट आप दे पाओगे वो सपोर्ट मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे कहने से भी उनको लगेगा पता नहीं, सब ऐसे नहीं बोल रहे, पता नहीं क्या उनका मोटिव है,
इट इज़ वेरी मच कॉमन, मतलब हमारे आज की सोसाइटी में दिस इज़ वन कॉमन थिंग कि पता नहीं हर आदमी के मन में पहले चीज़ दूसरे आदमी के ऊपर डाउट आता है, फिर बाद में सोचता है ही इज़ राइट और रॉन्ग, वो बाद की बात आती है। ठीक है, मैं बस तो जिसके भी कॉल आएगा मैं हेल्प करूँगा। बी कंफर्टेबल, अपने आउट ऑफ द वे नहीं जाना, बट हाँ जो जेन्युइन है आपको लगे कि ये समझदार आदमी है अगर इसके ठीक हो सकता है कर देना। Thank you.